चल कोई नहीं फिर निकलते हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं अपना, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है वही ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बोल दे बेटा। लो भाई सबेरे देखने लग गया। अच्छा पापा की ब्लॉग देख रहे बेटा? बढ़िया लग गया वो ना। अच्छा टाइम हो गया स्कूल में जाने का, तो राइन अभी स्कूल में उतार देंगे। उससे पहले हमने कहां पे जाना है भाई? अपना दलवित का आज है भाई टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट आयरलैंड में। क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी उसने तैयारी करी है, साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ में लेके जा रहा है, पास हो गया फेल हो गया, भाई आज ही पता लग जाएगा ड्राइविंग टेस्ट आयरलैंड में कितना मुश्किल है, आसान है, थ्योरी टेस्ट है वैसे आज उसका ना, तो देखते हैं अभी ना, लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले भाई उसके बाद यानी कि मैंने जिम में चला जाना राइन को स्कूल में उतार के, साथ में अपना दलवीर का जो अपना टेस्ट होगा ना उसका भी टेस्ट दिलवाने के बाद ना। लो भाई ये होगी अपनी ब्लैक कॉफी और इसमें हल्का फुल्का सा ना दूध डालने का, अगर डालना होगा। जैकेट पहन दलवीर, इसका जैकेट पहनने का स्टाइल देखिए। हाँ बेटा ये पापा का फोन है, इधर ही रख दे। ठीक है लो भाई ना, नवा स्टाइल हमने भी नहीं पता था इस स्टाइल का भाई ना, जब जैकेट पहनते हैं ना बच्चे एज एज भाई जैकेट को घेर दिया और इनके टीचर ने सिखा रखा भाई ना इनको, ये देखो ये पहन ली भाई सर जैकेट, हमने भी नहीं पता था पूरी वाला स्टाइल है बेटा। सही है भाई ना, हमने भी नहीं भाई ना बचपन में इस चीज का पता था, जैकेट या बिगाड़ भी ना बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना उनको वो सेल्फ जैसे अपने आप ही गुड जॉब राइन, अपने आप ही वो सोचते हैं कि अपने आप ही वो अपना लंच बॉक्स ओपन करे, सुसु करे, साथ में मैंने जैकेट वगैरह कपड़े वगैरह अपने आप ही पहन ले, तो ये स्टाइल मेरे को भी भाई ना बढ़िया लगा। तैयारी होगी दलित पेपर की भाई ना, गाड़ी में बैठ के पता करेंगे, क्योंकि ना भाई जिसका पेपर है उसने टेंशन ही नहीं आया, मैंने छोटे नहीं जाना लेकिन मन ना ज्यादा टेंशन हो रही उससे, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, पेपर भाई ना शुरू होने वाला है बंदे का निकले नहीं आता करते, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, परोठे का है बना हुआ सुना, बढ़िया भाई ना ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, पेट भर गया और दिमाग ना हुआ कुछ, पेपर तो रोज होता रहो भाई ना, क्यों पेपर आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये लो भाई ना बढ़िया सा मौसम हो रहा है ना। तो भाई ना फाइनली आ गया अपना गाड़ी में, और पेपर किस टाइम है? 12 बज गए भाई पूरे ना, अपना 15 मिनट है हमारे पास, और जो पेपर है ना वो नियरली भाई ना 15 मिनट की ही ड्राइव है, तो होपफुली पूरे पूरे टाइम पे पहुंच जाएंगे। पैसे कितने दिए वैसे पेपर के? 45 हो रहा, चल कोई नहीं। तो आपने भी कुछ ना कुछ पता लग जाएगा भाई, जैसे अपना थ्योरी टेस्ट आप आयरलैंड में देते हो, तो थ्योरी टेस्ट मतलब कि भाई ना आपको पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, 40 questions होंगे जो कि रोड साइंस रिलेटेड होंगे। हाँ बेटा ठीक है, राउंड अबाउट है। अच्छा यहाँ पे किसका राइट है, हमने कहाँ पे देख के चलना है? राइट से भी ना जो भी गाड़ी आ रही है ना तो उनका हमने वेट करना, यील्ड साइन का क्या मतलब है लग रहा ऊपर कि जो राउंड अबाउट पे ट्रैफिक है ना उसको, अगर जो राइट साइड से आ रही है पहले वो जाएगी फिर हम जाएंगे उसको देना भाई ना, पास हो ही जाएगा मैंने लग रहा है, बट वो तो ना पेपर देने के बाद ही पता लगेगा भाई पास होएगा फेल होएगा। और हम जा रहे हैं अपना सीधा मोटरवे पे, मोटरवे पे एल लाइसेंस वाला चला सकता है गाड़ी? चला नहीं सकता भाई ना, जिसके पास एयर लाइसेंस है यानी कि लर्नर है, थ्योरी टेस्ट पास करो है, अलाउड नहीं है भाई होना वाकई में। तो ये साइन है इसका क्या मतलब है, बच्चे छपरे स्कूल है के बच्चे आ सकते हैं क्रॉसिंग, हां क्रॉसिंग है सामने ना लग रहा भाई ना, वैसे आसान ही है यानी पेपर देख के फैसला यार, वो देखते हैं भाई ना पास होएगा बंदा फेल होएगा भाई अपना गुलाब जामुन ना बड़ा शौक है उनका ना, रखे रह गए घर पे ना, कोई नहीं आएगा दोबारा फिर डाल देंगे। हाँ कोई नहीं, जो ना वो डब्बा आएगा ना उसमें से डाल देंगे, जो दल भी देसी ने पास कर लिया और BMW साइड में खड़ी होगी अपने माला भरा देंगे। तेल खत्म हो गया ना सर पर 2500 रख दिया, कमर के ले गए लास्ट ईयर भाई ना, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे यहाँ पे ना आयरलैंड में ना, इन्हें दिनों आए हुए थे भी ना, आजकल भी और मौसम भी ऐसी हो रहा था और अब भी ऐसी हो गया, तो मैंने फिर भी मास्टर जी की याद आ जाए, पता नहीं क्यों यार ना आप पता नहीं भाई, यस और नो भाई लिखना, मास्टर जी का वीजा लगवाए या फिर नहीं, यस और नो प्लीज लिख देना जो भी भाई देख रहे हो वीडियो को। निकल चल कोई नहीं फिर निकलता है, ओके बाय बाय, मिलते हैं अपना, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है वही ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बोल दे बेटा। गोले गाले करेगा कोई है? ओके राइन पहले कह रहा है स्कूल जाना है उसके बाद शॉपिंग जाना है, ठीक है राइन, नो प्रॉब्लम। ओके निकलते हैं अभी अपना सीधा इसना स्कूल में, तार का जिम में निकलेंगे और दलवीत का देखेंगे भाई ना क्या रिजल्ट रहेगा।
पास हो जाए भाई ना पहली बारी में, अदरवाइज 45 यूरो के दे के दोबारा तो उसने थ्योरी टेस्ट अपना पास करना पड़ेगा। तो इसकी जो बुक है ना ईजन से मिल जाती है, यहाँ पे एक शॉपिंग शॉप होती है एक ना ईजन बुक्स वगैरह वहीं से मिलती है, तो 17-20 यूरो की इसकी बुक मिल जाती है, उसको अपना पढ़ो, 200-250 पेजेस की वो बुक है, तो उस पे सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो कंप्यूटर बेस का पेपर होएगा, 40 नंबर होते हैं जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, उसमें 35-30 कुछ इतने इतने पास करने होते हैं, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा। स्कूल टाइम ओके चला yeah. मेरे वास्ते डोर खोल दिया, लेट्स गो राइन, वेरी गुड राइन, कर अभी मैंने हेल्प कर दिया। लो भाई अपना जिम में पहुंच गए, और जो दलवीर का टेस्ट हुआ था ना उसका भी रिजल्ट भी आएगा। कुल कितने मिनट लगाए भाई उसने? 20 मिनट, यानी कि अभी जो टाइम हुआ है ना, तो हम 12:30 उसने छोड़ के आए थे, तो ऑलरेडी भाई ना उसने पेपर भी दे दिया, उसका रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ 20 मिनट के अंदर ना एग्जाम जल्दी दे दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा वो बंदा भाई खुद बतागा, पहले तो मैं जिम कर लो, रिजल्ट भाई मैंने पता, बट उस बंदे की कहानी सुनेंगे। अगर आप भी फर्स्ट टाइम थ्योरी टेस्ट देने जा रहे हो ना, आपको भी थोड़ा सा भाई ना पता लग जाएगा कि भाई क्या कुछ करें क्या ना करें, जो उस बंदे ने करा या ना करा। तो जिम करते हैं पहले, फिनिश ना अपना सामान सामान उठाते हैं। ये अपना जिम भाई ना नियरली 10-11 बंदे हैं भाई, तो जिम बिल्कुल क्वाइट भरी, देखो लो भी ना फाइनली रायन के स्कूल में आ गए, यहाँ पे खड़ी हुआ भाई इनकी स्कूटर वगैरह ना, तो ये खड़ी भाई रायन की नीनो, तो चलते हैं अपना, रायन के स्कूल का टाइम भी हो गया, छुट्टी होने वाली है उनकी, तो उसने रिसीव करके घर पे चलते हैं। पापा बेटा क्या पर एक मिनट चला जा, हाँ बेटा क्या हुआ बेटा, शॉपिंग कर रहा भाई ना लेगा, चलो बेटा रेस्ट कर ला थोड़ी देर, मैं भी सुबह का उठे हूँ। जूस चल को नहीं, घर पे बना लेंगे जूस, ठीक है भावना, जो उसका पेपर था दलवीत का ना, बताते हैं, रुको अभी वेट करो ओके। तो भाई ना जो दलवीत का रिजल्ट है, जैसे उसने दिया था बेटा थ्योरी टेस्ट, और कैसा था भावना जब पास करे था, 2 साल हो गए ना, मेरा तो सही था। तो क्या कुछ दलवीत कर रहा है अभी, मैं आपको रिजल्ट बता दूं, 40 क्वेश्चन लेकिन जो मैंने बड़ी चीज नहीं लगी ना भाई दलवीत की, जो वो भी कह रहा है 40 मिनट का भाई पेपर है, बंदा भाई ना 20-15 मिनट में निपटा के बैठ गया, 10 मिनट में उसने पूरा पेपर कंप्लीट करके ना उसी टाइम रिजल्ट आ जा, तो बंदे का मैसेज आ रहा है नहीं आप 34 तो भी ना 34 नंबर आया, उसके 34 मार्क्स आए हैं, और एक नंबर से नहीं 35 आया तो पहली बार पास हो जाता, बट अगले वीक वो फिर दे देगा, तो अगली बार तो 100% हो जाना, क्योंकि उसने गलती क्या करी, 40 मिनट्स है आपके पास, 40 क्वेश्चंस है, एक मिनट एक क्वेश्चन पे लगाना है, तो उसने भी ना बिल्कुल जल्दी करने की सोची है। ये थी भी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मौसम बदी होने लग गया अभी ना, तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन Take care.